तो बिहार के दो जिलों में साजिश की आग कुल चार जगहों पर लगाई गई। पूर्वी चंपारण के मेहसी, कल्याणपुर और दरपा थाना क्षेत्र में नागपंचमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। अब इस साजिश पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। जवाब में जेडीयू का कहना है कि बवाल इसलिए होता है क्योंकि उत्तेजक भाषण दिए जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं। नीतीश कुमार की सरकार तुष्टीकरण के चक्कर में है। नागपंचमी के दिन जुलूस नहीं निकलेगा तो क्या मौन जुलूस निकलेगा क्या? ये भारत है, भारत की संस्कृति से यह भारत चलता है और लोकतंत्र में भारत के जो धार्मिक लोग हैं इनका सम्मान करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह फेलियोर है, ना सुशासन दे सकती है, ना संरक्षण दे सकती है, सिर्फ तुष्टीकरण कर सकती है। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस ढंग से राजनीति में रहने वाले लोग उन्मादी बयान देते हैं और जब उन्माद की भेंट चढ़ जाता है कोई नौजवान तो उसके जमानतदार भी ये नहीं बनते, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।